हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपके लिए जो भी मैंने वीडियो में बताए हैं वो आपके लिए एकदम काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर हो। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक इन्वेस्टमेंट शेयर जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा खासा एक रिटर्न दे सकती है। तो इसको ट्रेडिंग के पर्पज़ से ना खरीद के इसको आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद सकते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रेट पे लग रहा है, जो कि यहाँ से एक अपसाइड दिखाने को रेडी है। तो इसके अंदर मैं हर एक डिप पे बाय करने का सलाह दूंगा आपको। बाकी जो भी आपकी बाइंग या फिर सेलिंग होगी वो खुद की रिसर्च से होगी, क्योंकि जो भी आपके लॉस होता है वो आपका खुद का होता है, जो आपको प्रॉफिट होता है वो भी आपका खुद का होता है। तो आप किसी पे इस तरह से ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। तो आपके सामने मैं उस शेयर का चार्ट लेके आने वाला हूं, जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये कंपनी है हुडको, एक गवर्नमेंट कंपनी है, और एक टाइम पे ये शेयर मतलब ऑलमोस्ट 100 के पास ट्रेड करता था। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती आती है, ये शेयर लगभग वहाँ से आधा हो चुका है। जैसे इसका आप हाई देखेंगे, लगभग इसका हाई 101 रुपये का है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पे कौन सा लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहाँ से हम इसको बाय करने वाले हैं और क्या इसके टारगेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डाउन साइड की। जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, इसके अंदर एक अच्छा खासा इसने हाई बनाया था लगभग 56 का, वहाँ से एक धीरे 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 करके इसके अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। लेकिन अगर आप बात करें 3 दिन पहले की, लगभग ये 26 जुलाई की, तो इसके अंदर जो एक सेलिंग आई है लगभग 50 रुपये से लेके एक दिन के अंदर लगभग 46 रुपये आ गया, मतलब एक लगभग 7-8% का इसके अंदर डाउनसाइड आया सेम डे के अंदर। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लोगों को सजेस्ट किया था इसको बाय करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ से ऊपर जाने के रेडी है और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा टारगेट देने को रेडी। जैसा कि अभी ये करंट मार्केट प्राइस का चल रहा है 45 के अराउंड, तो इसको मैं यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बाय करूंगा, और अगर ये मेरे को थोड़ा और डाउनसाइड में मिल जाता है जैसे 43 या फिर 42, जैसे ये आप देख रहे हैं ब्लू लाइन में मार्क्ड है, अगर ये इस लाइन तक जैसे 42 के आसपास, 42 या फिर 43 के आसपास मेरे को मिलता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। और मेरे को नहीं लगता कि ये जो देख रहे हैं ये वाइट कलर में जो मार्क्ड है 39 वाला लेवल, इसको बिल्कुल ये नहीं तोड़ेगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कि ये अब यहाँ से अपसाइड जाने को रेडी है। अगर मार्केट एक अच्छी खासी सेलिंग में रहती है और फिर अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है, ये ब्लू वाली लाइन है, तो क्रॉस करके अगर ये नीचे आता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट इसका ये बनता है लगभग 42.30 का, और उसके बाद ये जो लेवल है 41 का, ये काफ़ी बढ़िया इसका सपोर्ट है। तो इस केस में मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस में भी ऑलरेडी मैं बाय कर चुका हूँ, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा। ये ध्यान रहे कि ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, और बाय लकली अगर ये यहाँ पे मुझे मिल जाता है कुछ, तो मैं यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो ये तो बात हो यहाँ पे डाउन साइड की, और सबसे जो बड़ा यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला ये है 39 वाला लेवल। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस लेवल को तोड़ेगा और यहीं से इसको अपमूव आना चाहिए 41 तक। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसमें करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा इसके पास सपोर्ट है और ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी के अंदर इसका हम बाय कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी डाउन साइड की। अब बात करते हैं अप साइड में, मतलब ये अच्छा खासा जो टारगेट हमारा होने वाला है, पहला टारगेट या फिर जो भी हमारा रेजिस्टेंस है इसको जो ऊपर जाने से रोक सकता है, वो कौन से लेवल। तो बात करें अगर अप साइड की, जो हमारा जो पहला टारगेट होगा, जैसे हम यहाँ पे बाय करते हैं जो भी हमारा लेवल है, या फिर ये अभी करंट मार्केट प्राइस पे अगर बाय करते हैं, या फिर कुछ नीचे आता है यहाँ पे 44 के अराउंड में बाय करते हैं, या फिर ये ब्लू वाली लाइन है अगर यहाँ बाय करते हैं, तो इस केस में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो ये होगा। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा कुछ टाइम तक। तो जो मेरा पहला टारगेट होगा ये 50 का होगा। दूसरा टारगेट जो होगा ये एक बड़े टाइम फ्रेम का एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो ये वाला लेवल जैसे 52 का, तो यहाँ पे भी कुछ टाइम रुक सकता है। इन्वेस्टर के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टिंग है तो इसके अंदर एक अच्छा खासा टारगेट रेडी खड़ा है यहाँ पे। तो पहला जो हमारा टारगेट जैसे मैंने बताया ये वाला 50 का, दूसरा टारगेट 52 के आसपास का, तीसरा टारगेट है 55 का। जैसे ये लाइन क्रॉस करेगी 55 वाला, उसके बाद का जो हमारा टारगेट होगा लगभग ये होगा 58 के आसपास का, और उसके बाद जैसे जो बड़ा वाला जो टारगेट होगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट होगा लगभग 66-67 का। मतलब इस लेवल से आप देख रहे हैं जैसे करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 45 का, वहां से हमारा लगभग 20 रुपीज अब, मतलब आप देख सकते हैं अगर 40 रुपये का स्टॉक है आपको 66 का टारगेट मिल रहा है, तो एक अच्छा खासा इसके अंदर अप मूव आने को तैयार है। तो मैं इसके अंदर डेफिनेटली बाय करूंगा, और जो लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है, और मे बी वो कुछ प्रॉफिट में भी होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं कि जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लोगों को सजेस्ट किया था उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा हो। तो बात करते हैं इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जो टारगेट क्या होना चाहिए, जो हमारी कन्फ्यूजन को दूर करें। जैसे आपको अगर चार्ट का नॉलेज नहीं है तो आपके क्या लेवल्स होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको नजर रखने हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जाकि आपको कोई यहाँ पे परेशानी ना हो। करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 45 का है, तो इसके अंदर मैं बाय करूंगा, बाइंग एट
करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसमें मैं और ऐड करूंगा जब ये ट्रेड करेगा 42 से 43 के बीच में। इस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग होगा 41.50 का, और जो मेरा टारगेट होगा, टारगेट वन जो होगा वो हो जाएगा 50 से 52 का, टारगेट टू जो होगा इसमें मेरा हो जाएगा 65 का, और जो सबसे बड़ा जो अच्छा आपके पास अगर पेशेंस है आप वेट कर सकते हैं उतने टाइम तक का, तो उसमें जो आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होने वाला है, जो आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा वो लगभग 80 प्लस का होगा। तो जरा आप सोचिए, तो जैसा आप देख रहे हैं जैसे 45 का शेयर चल रहा है और 45 में भी कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं अगर हम, फिर ये अगर नीचे आता है कुछ हमें क्वांटिटी, अगर ये जो ब्लू लाइन है अगर यहाँ मिल जाती है 43 के आसपास में, तो इसके अंदर जो लंबे टारगेट हैं जैसे 65 का टारगेट है, 52 का टारगेट है, 80 का टारगेट है, अगर हम कुछ लंबे टाइम के लिए इसके अंदर बने रहते हैं तो लगभग 65 का टारगेट बनता है और उसके बाद लगभग 80, तो 80 प्लस का टारगेट के लिए हमें एक अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टिंग को आप समझ सकते हैं 45 के शेयर के खरीद के अगर आप 80 में सेल करते हैं तो लगभग लगभग आपकी जो भी रिटर्न होगी वो आप ऑलमोस्ट डबल होगी। होप गाइस आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस शेयर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो जरूर दूर हुई होगी। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर लेवल्स बताए हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप गाइस दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।